अच्छा टीवी देख रहे हैं आप और मामला दिल्ली से सामने आया है, जहां पर बीती रात पंजाब दे लोकां नूं सेहतमंद बनाउण दे मकसद नाल मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दी अगवाई वाली पंजाब सरकार वलों शुरू कीती सीएम दी योगशाला जन मुहिम बन गई है। इस मुहिम तहत पंजाब भर दे जिलियां च मुफ्त योग क्लासां लगाईयां जा रही है, जिस दा लोक लाभ लै के रोगां तों दूर रह रहे ने। सूबे दे 23 जिलियां च हुण तक 2900 तों वध मुफ्त योग क्लासां चलाईयां जा रही है, जिस दा 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ, ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੇਰੀ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੇਰੀ ਬੀਪੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ 100 ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 120 ਨੋਰਮਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੀਐਮ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਰਿਡਿਊਸ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਚ ਲੋਸ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਨੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸੀਐਮ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भयानक आग लग गई, पूरा मामला दिल्ली के मयूर बिहार फेज 2 का है, जहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में इतनी भयानक आग लग गई कि फायर ब्रिगेड की टीम ने तकरीबन 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भयानक आग ने घेर लिया है। आग की शुरुआत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के एक कैफे से हुई और देखते ही देखते इस आग ने एक दर्जन से ज्यादा दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग में इलाके का मशहूर स्कूल यूनिफॉर्म शॉप भी जलकर राख हो गया और दुकानदारों का लाखों का नुकसान हो गया। दमकल अधिकारी का कहना है कि जिस कैफे में आग की शुरुआत हुई थी वह पूरी तरह से पैक था, जिसकी वजह से आग तेजी से बढ़ने लगी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 3 मंजिल के एक बड़े हिस्से को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया और आग इतनी भयानक थी कि तकरीबन 25 टैंकर को मौके पर बुलाया गया और 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस राहत बचाव कार्य के दौरान एक दमकल अधिकारी भी घायल हो गया, जिन्हें लाल बहादुरी शास्त्री अस्पताल में ले जाया गया। इसके अलावा फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, आओ आपको सुनाते हैं। कितने बजे की कॉल आई थी और कितनी फायर टेंडर यहाँ पर से लगाई गई? दिल्ली फायर सर्विस को रात को 23:40 पे कॉल मिली थी कि जंक कैफे है यहाँ भगवान सिटी प्लाजा जिसके अंदर आ गया, लेकिन मौके पे गाड़ी पहुंची तो इसके साथ ही 3 आर्केड या 3 बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तो पंकज आर्केड की तरफ ये आग बढ़ी हुई थी और ग्राउंड से लेकर ऊपर 3 मंजिल तक आग फैली हुई है। सर, टोटल 25 गाड़ियाँ यहाँ काम कर रही हैं। सर, किसी भी तरह की कैजुअल्टी, कोई हानि, कोई रिपोर्ट की गई अभी तक? कोई कैजुअल्टी रिपोर्टेड नहीं है। एक आदमी को हम लोगों ने रेस्क्यू किया है, उसका नाम नवीन पांडे है। उसको ऊपर टेरेस पे जो ऑफिस बना हुआ है 3rd फ्लोर पे, उनके अंदर वो थे, वहाँ से उनको रेस्क्यू किया। एंड एक हमारा एक फायरमैन हमारा जो है, एक फायर तो उसको थोड़ा इंजरी हुई है, उसको हॉस्पिटल भेजा हुआ है। क्या आग पूरी बिल्डिंग से सिर्फ फैल गई, क्या कुछ कारण पता चल पाया इसके पीछे का? देखिए, पहले हमारा काम होता है आग बुझाने का, हम उसी में लगे हुए हैं, ये चीज़ें बात की हैं, लेकिन आग पूरी इसमें 3 फ्लोरों पर आग फैली। नीचे से आग सर लगी और ऊपर तक आग बढ़ते गई जी। इसमें कोई प्रॉपर वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं था, सब कुछ इन्होंने बंद कर रखे हैं, आगे जो कॉरिडोर है वो भी बंद कर, इसका मेन रीज़न रहा कि आग बढ़ गई। आपको लगता है कि सर जो तमाम प्रोटोकॉल होते हैं उसका पालन बिल्डिंग में, इस आर्केड में नहीं किया गया, जिस वजह से आग लगातार बढ़ती गई और इस तरह का हालात बन गया? देखिए, आपको बताया कि जो है वेंटिलेशन वगैरह नहीं है यहाँ, क्योंकि सारा इनक्लोज किया हुआ था, इसके कारण आग बढ़ गई है, एंड बाकी चीज़ें जो है वो बाद में। सर, ये कितनी शॉप्स होंगी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर लगभग? ये कॉम्प्लेक्स में तो लगभग 25 से 30 दुकान होंगी, लेकिन इसमें जो है 12 से 15 दुकानें जो हैं वो इन्वॉल्व हुई है। और सर, कितना नुकसान हुआ होगा लगभग अभी? और उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह रहा। कितने घंटे हो गए सर आग लगी को? अब लगभग जो है 6 घंटे होने वाले हैं, आग कंट्रोल में है।
कंट्रोल में, कोई इंजरी वगैरह किसी को नहीं? एक हमारे स्टाफ मेंबर को इंजरी हुई है, उसको लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल भेजा है। थैंक यू सर, टू योर कैजुअलिटी रिपोर्टिंग। थैंक यू सर। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।